हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल म्यूजिकोग्राफी में। और हम एक बार फिर से आ गए हैं आपके पास एक नया टॉपिक लेकर, जो कि है कंप विस्तार और आंदोलन संख्या में संबंध। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हम आपको इसके बारे में डिटेल से बताएंगे, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कंप विस्तार और आंदोलन संख्या में क्या संबंध है? देखिए, मान लीजिए कि आपके पास दो तार हैं, ये ए और ये बी। हमारे पास एक वायर है ए और एक है बी। हमने इस पर एफर्ट लगाया, फोर्स लगाया, इसमें थोड़ा कम फोर्स लगाएंगे और बी में ए के कंपैरिजन में ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। तो इस पे फोर्स लगाने पर ये पहले इधर वापस से रेस्ट पोजीशन पे, फिर इधर, फिर वापस से रेस्ट पोजीशन पे, इस तरीके से कंटिन्यू आता जाता रहेगा। और इस पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो भाई ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो ये ज़्यादा दूर तक जाएगा, यहाँ यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, और इस तरीके से इनका मोशन चलता रहेगा, जिसको हम बोलते हैं ये तार क्या कर रहे हैं, कंपन। और जितनी बार एक आंदोलन इसका पूरा हो रहा है वो कहलाती है आंदोलन संख्या। तो हम एक कांस्टेंट टाइम मान लेते हैं, सपोज कि हमने इन दोनों तारों के कंपन को काउंट करने के लिए 2 सेकंड का टाइम लिया। अब देखिए, आप इसमें कम फोर्स लगा रहे हैं, पहले हम ए स्ट्रिंग की बात करेंगे, इसमें हमने कम फोर्स लगाया तो ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो 2 सेकंड में। अब भाई इसका डिस्टेंस जो है वो कम है, कम डिस्टेंस है तो यहाँ से यहाँ इसके कंपैरिजन में वो जल्दी आ जाएगा। फिर से समझिए, हमने दोनों पे एक साथ फोर्स लगाया, ए पे हमने कम फोर्स लगाया और बी पे ज़्यादा, तो ये यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक आ गया, लेकिन बी जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है तो बी को वापस आने में इसके कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लगेगा और ए को कम टाइम लगेगा। हो सकता है कि बी जितनी देर में यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ए उतनी देर में पूरा एक आंदोलन पूरा कर लेगा। बात समझ में आई? फिर से समझते हैं, ए पे हमने कम फोर्स लगाया और बी पे हमने ज़्यादा फोर्स लगाया, तो ए जो है वो यहाँ से यहाँ तक गया, कम डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और बी जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस तक जाएगा क्योंकि हम इस पे ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, तो ये ज़्यादा दूर तक जाएगा। ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करने के कारण ये एक आंदोलन पूरा करने में ए की अपेक्षा ज़्यादा टाइम लेगा। इसका मतलब अगर हम 2 सेकंड तक इसके आंदोलन संख्या को काउंट करेंगे तो भाई ये जल्दी जल्दी, और हो सकता है इसमें 5 आंदोलन, यानी इसकी फ्रिक्वेंसी 5 होगी 2 सेकंड में, और ये ज़्यादा टाइम ले रहा है तो ये इसके कंपैरिजन में 2 बार ही आंदोलन पूरा कर पाएगा। क्या मतलब हुआ कि ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड कंप विस्तार। कंप विस्तार मतलब कंपन की चौड़ाई, यानी जो हमारा वाइब्रेशन हो रहा है वो कितना चौड़ा है, ये कम चौड़ा है और ये ज़्यादा चौड़ा है। ये कंप विस्तार कम है, हमारे ए का कंप विस्तार कम है और बी का कंप विस्तार ज़्यादा है। तो आप ध्यान से देखिए, कंप विस्तार कम होने पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है और कंप विस्तार ज़्यादा होने पर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। ये संबंध है कंप विस्तार और आंदोलन संख्या में, कि जितना ज़्यादा कंपन की चौड़ाई होगी आंदोलन संख्या उतनी कम होती जाएगी, और जितनी कम आंदोलन की चौड़ाई होगी आंदोलन संख्या उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। देखिए, मध्य सप्तक के षडज की आंदोलन संख्या होती है 240 और तार सप्तक के षडज की आंदोलन संख्या होती है 480। अब ये आंदोलन संख्या कम है, इसका मतलब इसका जो कंप विस्तार है वो ज़्यादा होगा, और ये आंदोलन संख्या ज़्यादा है इसका मतलब इसका जो कंप विस्तार है वो कम होगा। तो जितना कम कंप विस्तार उतनी ज़्यादा आंदोलन संख्या, और जितना कम आंदोलन संख्या उतना ज़्यादा कंप विस्तार।
यही रीज़न है कि हमें जो मेल वॉइस होती है वो भारी सुनाई देती है और जो फीमेल वॉइस होती है वो सेम नोट पर पतली और हल्की सुनाई देती है। तो ये था कंप विस्तार और आंदोलन संख्या में संबल कि कंप विस्तार कम तो आंदोलन संख्या ज़्यादा और कंप विस्तार ज़्यादा तो आंदोलन संख्या कम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ बाकी रह गया है या कुछ आपको नहीं समझ में आया है तो आप अपने डाउट्स कॉमेंट्स के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। हम फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक माइक्रोटोन यानी श्रुति के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।